ग्लोबल भारत समझ खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ। खबर रामपुर जिले से है, जहां सपा के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी व बेटे को आज जेल भेज दिया गया। आजम खान की अगली सुनवाई 2 मार्च को मुकर्रर की गई है। मामले के मुताबिक आजम खान और उनके परिवार ने एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्शाई गई है, जबकि दूसरा लखनऊ के अस्पताल से बनवाया गया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। मामलों में सरेंडर उन्होंने किया है और सभी के मामलों में अलग अलग तारीखें लगी हैं। जिन मामलों में कम सजा है उनमें नज़दीक की तिथि लगी है और जिन मामलों में गंभीरता है उनमें ज़्यादा तारीख लगी है, लंबी तारीख लगी है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि प्रत्येक मुकदमे में जमानत नहीं हो जाती। अगर एक भी मुकदमे में ये रह जाते हैं तब तक ये अभिरक्षा में ही रहेंगे। तो गंभीर मामला कौन सा है? गंभीर मामले बहुत है, 420, 467, 468, फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पैन कार्ड, इस तरह बहुत सारे मामले 171 जी इलेक्शन से संबंधित हैं और भी जनता के द्वारा लिखाए गए सभी मुकदमों में जिनमें आरोप पत्र आ चुके हैं और जिनमें आरोप पत्र आना शेष है उन्होंने सभी में सरेंडर किया है। उन्हें आज न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। जिन मामलों में आरोप पत्र ऑलरेडी कोर्ट में आ चुके हैं उन सभी मामलों में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। बाकी जिन मामलों में आरोप पत्र आना शेष है पुलिस से रिपोर्ट कॉल की गई है, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कल फिर न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाएगा और जिन मामलों में अपराध की दंड कम है उन मामलों में नजदीक की तारीख लगाई गई है और जिनमें अपराध की गंभीरता ज्यादा है उनमें प्रोसिक्यूशन को अवसर दिया गया है, उसमें 8 से 10 दिन की तारीख लगाई। क्या नाम है आपको? अरुण प्रकाश। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आज आजम खान अपने पत्नी व बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे, जहाँ कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दे दिया। ग्लोबल भारत समझ खबर की।